हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपनी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जल्दी से एक बार उसका रिव्यू देख लेते हैं। फिर आज हमको पढ़ना है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है और इंडियन प्लेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, कैसे हिमालयन माउंटेन्स बने और वो फोल्डिंग माउंटेन्स क्यों कहे जाते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, उस सारे फिनोमिना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बट उसके पहले क्या है कि एक थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो तीन टाइप की बाउंड्रीज पढ़ी थी, तो सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने क्या, सबसे पहले पढ़ा था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज होना मतलब एक दूसरे से दूर जाना। दूर जाने के केस में क्या होगा कि जब प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, तो इसके हम लोगों ने दो केस पढ़े। एक पहला केस क्या था, पहला ओशियन में, और दूसरा क्या था, दूसरा था कॉन्टिनेंट में। जब ओशियन में प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती थी, तो यहाँ पर किसका निर्माण होता था, मिड ओशनिक रिज का, मध्य महासागरी कटक का। कहाँ पर, महासागरी प्लेट पे। अगर महाद्वीपीय प्लेट की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो सबसे पहले क्या निर्माण होता है, सबसे पहले निर्माण होता है रिफ्ट वैली का। उसके बाद कोई वाटर बॉडी बनती है, अगर उसमें पानी किसी माध्यम से भर जाता है, और तत्पश्चात क्या बनता है, सी या ओशियन बन जाता है। तो ये चीज़ें किस में थी, कॉन्टिनेंटल में। कॉन्टिनेंटल का कौन सी प्लेट पे, डाइवर्जेंट यानी कि एक दूसरे से दूर जाना। दूसरी हम लोगों ने जो बाउंड्री पढ़ी वो क्या थी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। तो उसमें हम लोगों ने तीन टाइप की प्लेट्स पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक पढ़ी थी ओशियन। अब दो प्लेटें यानी कि दोनों ओशियन प्लेट्स हैं आमने सामने आ रही हैं, या एक ओशियन कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। जब हम लोगों ने ओशियन ओशियन प्लेट पढ़ी थी कि अगर ओशियन ओशियन प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले किसका निर्माण होगा, यहाँ पे हमने देखा ट्रेंच का निर्माण होगा, और उसके बाद जब ये प्लेट का सबडक्शन हो जाएगा, तो वहां पर क्या बनेंगे, वहां पर बनेंगे वॉल्केनिक आइलैंड, वहां पर वॉल्केनिक आइलैंड का निर्माण होगा। ये हमने देखा ज्वालामुखी जो द्वीप है वो बनेगा, और प्लस गर्तों का निर्माण होगा। जब ओशियन और कॉन्टिनेंट पास में आती हैं, तो ओशियन का सबडक्शन होता है, क्योंकि ओशियन प्लेट कैसी है, हैवी है, भारी है। तो जब ओशियन प्लेट का सबडक्शन होगा, तो जहां पर भी सबडक्शन होगा, तो वहां पर सबसे पहली चीज हमें क्या देखने को मिलेगी, ट्रेंच मिलेगा, और दूसरा यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन। यहाँ पर आपको वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलेंगे। जब हमने कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो कोलिजन कराया, उसको आपस में टक्कर कराई, तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे जाने को तैयार नहीं है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या बनते हैं, ऐसी कंडीशन में बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो बेसिकली ये जो समरी थी वो थी अभी तक का जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियोस मिस कर दिए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो प्लीज़ आप उसको रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ की प्लेलिस्ट में, और ये सारे वीडियोस वहाँ पे सेव्ड हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। अब देखिए, जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसमें हर चीज़ का निर्माण हो रहा है, हर चीज़ बन रही है, तो बन रही है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। और यही कन्वर्जेंट को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्ट्रक्टिव। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर विनाश हो रहा है ना, विनाश, विनाशात्मक, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल समरी थी, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके एक जगह पर एक पेपर पर लिखते रहिए, चार बार इस चीज को लिखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, तो जहां पर मिड ओशनिक रिज होता है, तो वहां पर भी वॉल्केनिज्म होता है, ठीक है, हल्का सा आपको वॉल्केनिज्म भी देखने को मिलेगा, और यहां पर अर्थक्वेक भी आएगा। जहां पर रिफ्ट वैली होती है, तो यहां पर वॉल्केनिज्म तो देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको अर्थक्वेक जरूर आएगा, ठीक है, वाटर बॉडी सी ओशन बन जाता है। अब देखिए जहां पर भी ट्रेंचेस मिलेंगे, तो ट्रेंच मिलेंगे, तो ट्रेंच के अंदर क्या होता है, ट्रेंच के अंदर सबडक्शन होता है, तो सबडक्शन ट्रेंच के आसपास आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा, और कोस्टल से थोड़ी दूर पे आपको वॉल्केनो मिलेगा, वॉल्केनिक आइलैंड तो मिलेंगे, ट्रेंच पे आपको अर्थक्वेक मिलेगा, वॉल्केनिक माउंटेन्स में आपको इसमें अर्थक्वेक भी मिलेगा, और प्लस वॉल्केनो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स में आपको केवल और केवल अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, यहां पर वॉल्केनो नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो थी वो याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई हैं, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की हिंदी होती है रूपांतर या समानांतर प्लेट सीमांत, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के बारे में देख ले।
चलो तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतर या समानांतर प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो अब देखो क्या है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या था, ऐसा पास आना, डाइवर्जेंट क्या था, दूर जाना, ठीक है। तो अब देखेंगे ये क्या भला है, ठीक है। बट देखो अब ये जो पास आना दूर जाना था ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स है कि भाई क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, मेंटल में अगर जो कन्वेक्शन साइकिल हैं, जो संवहनी धाराएं हैं, वो इस शेप में चल रही हैं तो प्लेटें पास आएंगी, कन्वर्ज करेंगी। अगर वो इस शेप में चल रही है तो प्लेटें दूर जाएंगी, डाइवर्ज करेंगी। अब देखो ना प्लेट पास आए, ठीक है, इसमें क्या है कि ना पास आना है प्लस ना दूर जाना है, ना आपको ये ऐसे पास आना है और ना आपको दूर जाना है। तो जब ना पास आना है ना दूर जाना है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेट्स हैं, जो प्लेट्स हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे को पासेस ईच अदर, वो एक दूसरे को पास करेंगी, केवल एक दूसरे के पास से निकल जाएंगी या वो पैरेलल मूव कर सकती है। जैसे देखो एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन ये हो सकता है, इसका डायरेक्शन ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है या तो वो एक ही दिशा में चलेंगी, या वो इस दिशा में चलेंगी, या वो आगे पीछे चलेंगी। तो एक दूसरे से, एक दूसरे से, अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही यहाँ पर भी डिस्टेंस है, वही यहाँ पर भी डिस्टेंस है, तो एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, एक दूसरे के पास नहीं आ रही हैं ना एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे को पास, इसका मतलब है कि एक दूसरे को बस पास कर रही हैं, स्पर्श करती हुई निकल जा रही हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखो ये एक प्लेट बाउंड्री है और दूसरी प्लेट बाउंड्री ये है, तो ये वाली इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो इसको क्या कर रही है, पास कर रही है। तो पास कर रही है तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जब जो प्लेट्स होंगी, जो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे से पासेज ही सदर होंगी, तो ना ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या कोलिजन होगा, नहीं, क्या सबडक्शन होगा, नहीं, यानी कि टक्कर होगी, नहीं होगी, क्या एक दूसरे के अंदर वो सबडक्ट करेंगी, क्षेपण होगा, नहीं होगा। तो देखो ना ही जो है वो सबडक्शन हो रहा है, ना ही कोलिजन हो रहा है। तो मेरे को बताओ कि अब देखो ध्यान से, अगर कोलिजन की बात करें, अगर कोलिजन की बात करें तो कोलिजन किसका होता है, जब प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के पास आने का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद एक प्लेट सबडक्ट कर जाती है, जो प्लेट का क्षेपण होता है वो प्लेट हमेशा डिस्ट्रॉय होती है, जो प्लेट का क्षेपण होता है वो प्लेट हमेशा क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो यहां पर की बात करें तो क्या यहां पर डिस्ट्रॉय होगा, यहां पर डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई भी प्लेट का विनाश नहीं होगा, ठीक है। एक तो केस ये समझ में आया, जब प्लेटें क्या होती हैं, डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है यानी कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो देखो यहाँ पर जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, बात को समझना, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वो क्या करेगा, नीचे से जगह क्रिएट हो जाएगी और नीचे एस्थिनोस्फेयर, दुर्बल मंडल का मैग्मा ऊपर आ जाएगा, मैग्मा जब ऊपर आएगा, ऊपर आके ठोस हो जाएगा तो नया लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ऊपर मैग्मा आता है और इससे क्या होता है, नया लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, इससे क्या होता है, नया लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेसिकली हो रहा है क्रिएशन, यहां पर हो रहा है डिस्ट्रॉय, यहां पर हो रही है चीजें क्रिएट। तो मेरे को बताओ कि यहां पर क्या प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, नहीं, मैग्मा ऊपर आएगा, नहीं, तो क्या कोई लैंडफॉर्म क्रिएट होगा, नहीं, तो डिस्ट्रॉय भी नहीं और कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन भी नहीं, ना ही कोलिजन, ना ही डिस्ट्रॉय, ना ही सबडक्शन, ना ही कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है और ना ही क्रिएशन हो रहा है। जो क्रस्ट अंदर जाती है वो क्रस्ट का क्षय हो जाता है, वो
मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है और टूट के अलग हो जाती है। जो मैग्मा बाहर आता है वो नया क्रस्ट का निर्माण कर देता है। तो जब ना प्लेटें पास आ रही हैं ना दूर जा रही हैं, तो ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएशन हो रहा है। तो ये होता है स्पेशलिटी किसकी, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री या रूपांतरण प्लेट सीमांत की, ये होती है इसकी स्पेशलिटी। आई होप ये दोनों फ्लो चार्ट आपने बना लिए होंगे, यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, ठीक है। दोनों केस आप याद रखिएगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का केस। जब ना ही किसी चीज का क्रिएशन होता है और ना ही कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है, नो क्रिएशन प्लस नो डिस्ट्रॉय। देखो क्रिएशन में चीज बन जाएगी, डिस्ट्रॉय में बनी हुई चीज बिगड़ जाएगी। तो जब दोनों ही नहीं हो रहे हैं, जब दोनों ही नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंजर्व कर रही हैं। कंजर्व का मतलब है कि संरक्षण हो रहा है वहां पर। संरक्षण कैसे भाई, चीजें जो क्रिएशन है वो भी नहीं हो रहा है, यानी कि जो बना हुआ है वो बना हुआ है, और जो डिस्ट्रॉय है, जो बन गया उसका डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है चीजें कहीं ना कहीं कन्वर्जन कंजर्व हो रही है, उसका संरक्षण हो रहा है। तो इसी वजह से ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री या संरक्षी प्लेट सीमांत, ठीक है, संरक्षी प्लेट सीमांत। इसी वजह से ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का नाम है कंजर्वेटिव या संरक्षी प्लेट सीमांत। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ भी बनता नहीं है, कुछ भी बिगड़ता नहीं है, यहां पर चीजें क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। तो इस वजह से इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव या संरक्षी प्लेट सीमांत। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही बेसिक सी चीज थी। तो अगर क्रिएशन की बात करते हैं, ध्यान से देखो, फिर से देख लो एक बार, अगर क्रिएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब बात करते हैं डाइवर्जेंट की। अगर डिस्ट्रॉय की बात करते हैं तो बात करते हैं कन्वर्जेंट की। कन्वर्जेंट में डिस्ट्रॉय होती हैं चीज़ें, और अगर ना क्रिएशन ना डिस्ट्रॉय तो बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, चीज़ें कंजर्व रहती हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये तीन चीज़ें अगर अपनी कॉपी में आप नोट कर लेंगे, उस पेज के ऊपर कहीं पे भी शॉर्टकट ऐसा बॉक्स में बना के, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसमें आपको स्टेटमेंट में भी फंसाया जा सकता है ना, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली इस चीज़ का पूरा समरी थी कि क्या होती हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो क्योंकि अब चीज़ें एक दूसरे से पास होती हैं, तो इस वजह से ना ही वहाँ पर क्रिएशन होता है और ना ही जो है डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो फिर अब मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई ना ही कंजर्वेशन हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इस प्लेट बाउंड्री का फ़र्क क्या पड़ता है। तो देखो क्या फ़र्क पड़ता है, जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है ये क्या है कि कोई दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक प्लेट इधर जा रही है और दूसरी प्लेट इधर आ रही है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से तोड़ के अगर इसको यहीं पर जोड़ दिया जाए तो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ध्यान से देखना, बीच में मैंने गैप दिया हुआ है, इसको किसी और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये जो है यही क्या है, यही बाउंड्री है, यही जो है वो क्या है, सीमांत है, ठीक है। तो अब देखो एक प्लेट इधर जा रही है, दूसरी प्लेट, एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, बी प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने का मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, ना ही दूर जा रही हैं ना ही पास आ रही हैं, पैरेलल में समानांतर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है घर्षण, घर्षण बोले तो फ्रिक्शन। तो यहाँ पर होता है घर्षण, कोई तल आपस में घिसेगा तो उसमें घर्षण होगा। देखो दूसरा केस एक ये भी बोल सकते हो तुम कि एक प्लेट है इसका नाम है ए और यही एक प्लेट है इसका नाम है बी, अगर दोनों ही एक ही दिशा में भी मूव कर रही हैं तो भी क्या होगा, इन दोनों की अगर वेलोसिटी, इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो अगर क्या हुई डिफरेंट, तो भी क्या लगेगा, तो भी होगा घर्षण। भले ही दोनों एक दिशा में जा रही हैं मगर एक ज़्यादा तेज़ है दूसरी कम तेज़ है, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जो ज़्यादा तेज़ वाली है वो सीमांत पे कम तेज़ वाले के बाउंड्री पे कुछ ना कुछ घिसेगी, कुछ ना कुछ घर्षण करेगी, ठीक है। तो घर्षण यहाँ पे भी होगा, घर्षण यहाँ पे भी होगा। जब घर्षण होगा तो हमें पता है घर्षण से क्या निकलती है, एनर्जी, और यही एनर्जी जो है
वो किसका फॉर्म ले लेगी, वेव का, यानी कि तरंग का। और यही तरंग जो है हमने पढ़ रखा है क्या होता है हमारा, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो कहीं पर भी अगर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होगी, चाहे प्लेटें एक दूसरे से ऑपोजिट जा रही हों, चाहे एक ही डायरेक्शन में जा रही हों, ऊपर या नीचे कहीं पर भी जा रही हों, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके बीच का जो सीमांत है वहाँ पर होगा फ्रिक्शन। और अगर चूंकि फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन होने से क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड हो रही है। और एनर्जी जो है रिलीज्ड हो रही है वो क्या उत्पन्न कर रही है, वेव। और वेव क्या हो जाती है, वही चीज किस में कन्वर्ट हो जा रही है, अर्थक्वेक पे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जो है, जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, इसका जो आउटकम होता है, इसका आउटकम होता है अर्थक्वेक। अब यहाँ पर वॉल्केनिज्म कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वॉल्केनिज्म होने के लिए दो प्लेटों को आपस में लड़ना पड़ेगा और एक प्लेट को हार के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्केनिज्म नहीं होता यहाँ पर, मगर अर्थक्वेक होता है। और ये अर्थक्वेक ऐसा हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो ये पूरी इसकी ओवरऑल स्टोरी थी कि भाई ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जो है वहाँ वो क्या होती है, कैसे उसमें काम होता है, और उसमें कौन सा जो फिनोमिना है वो वर्क करता है। तो उसका फिनोमिना था अर्थक्वेक, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, मेन चीज़ें की समझ में आना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में अब इसके इधर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर की एक प्लेट है पूरी, ठीक है, प्रशांत महासागर के नीचे उसके क्रस्ट में एक प्लेट है जिसपे प्रशांत महासागर बना है। एक पूरी प्लेट कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका की एक प्लेट है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये पैसिफिक ओशियन प्लेट है। अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कैसी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और पैसिफिक ओशियन कैसी प्लेट है, ये एक महासागरी प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, नॉर्थ अमेरिका के इस जगह पर, इतनी जगह पर एक जगह है, उसका नाम है सैन एंड्रियास। ये कैलिफोर्निया स्टेट में पड़ता है, कैलिफोर्निया स्टेट में है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखिए, सैन एंड्रियास एक जगह है। तो यहाँ पर इसी सैन एंड्रियास के नाम से ही इस प्लेट का, इस मतलब फॉल्ट का नाम होता है, जिसको बोलते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट। अब ये क्या फॉल्ट है, ये फॉल्ट ये है कि भाई ये जो पैसिफिक ओशन की प्लेट है, पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है, इसका जो डायरेक्शन है ये मूव कर रही है टूवर्ड्स नॉर्थ साइड, ये मूव करती है नॉर्दर्न साइड। ध्यान से देखिएगा, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जो ये एरो जो है ये बताता है कि इस प्लेट का मूवमेंट क्या है। तो इस प्लेट का मूवमेंट क्या है, ये टूवर्ड्स नॉर्दर्न साइड है। और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है इसका मूवमेंट जो है वो कहाँ है, टूवर्ड्स सदर्न साइड, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट टूवर्ड्स सदर्न साइड है, और इसका मूवमेंट कहाँ पर है, नॉर्दर्न साइड। तो अब देखो सेम एग्जांपल देख लो, अगर ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो दोनों की जो बाउंड्री है यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा होगा। फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन से यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी से क्या आएगा, इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। फॉल्ट का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर ये प्लेट एक्चुअली में जब प्लेट घिसती है ना, तो प्लेट का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, सेडिमेंट्स के फॉर्म में अलग हो जाता है, टूट जाता है। तो वही टूट के वहाँ पर क्या हो गया, भ्रंश बन गया है, सॉरी, तो वहाँ पर क्या हो गया, भ्रंश बन गया है। तो भ्रंशन की प्रक्रिया होने से वहाँ पर फॉल्ट जनरेट हो गया, ठीक है ना। फॉल्ट हमको पता है क्या होता है, ऐसा एक गैप हो जाता है, दो लैंड मतलब लैंड के बीच में एक ऐसा वी शेप में ऐसा गैप हो जाता है, उसी को हम लोग फॉल्ट बोल देते हैं। तो जब इसकी गूगल पे आप इमेज देखेंगे तो आपको ऐसा एक, अगर ये सैन ये है सैन एंड्रियास, तो वहाँ पर एक ऐसी लकीर दिखाई देगी, वो बेसिकली क्या है, हल्की सी डीप तक गई हुई है, और इसके ऊपर ये यहाँ का जो ऐसा माउंटेन उठ गया है थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या है, एक फॉल्ट दिखाई देगा आपको, भ्रंश दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल था सैन एंड्रियास फॉल्ट का, और सैन एंड्रियास फॉल्ट जो एग्जांपल किसका है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, याद रखिएगा। पैसिफिक ओशन की प्लेट टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टूवर्ड्स साउथ जा रही है, तो इन दोनों प्लेट्स जो है उसमें आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर फॉल्ट का जन्म हुआ, और फॉल्ट यहाँ पर फ्रिक्शन होने की वजह से ही क्या आता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का, और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के ख़त्म होते ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तीनों जो वर्जन थे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आपको पता है
तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब एक छोटा सा इसमें देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक था एनसीईआरटी में, उसमें लिखा हुआ था कि प्लेट रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, ठीक है, इसको मतलब क्या बोलते हैं, प्लेट प्रवाह की दर, ठीक है। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट का मतलब है प्लेट जो है, कोई भी प्लेट मूव कर रही है, किधर भी मूव कर रही है, तो उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है। तो जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं आपको वही फैक्ट बता देता हूँ कि जो सबसे स्लोएस्ट प्लेट है वो कौन सी है, वो आर्कटिक है, जैसा उसमें दे रखा था, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के वेलोसिटी से मूव कर रही है। और सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सी प्लेट मूव कर रही है, पैसिफिक ओशियन वाली जो प्लेट है, उसका वेलोसिटी जो है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से है, ठीक है। एक इसमें याद रखिएगा, जैसे इंडियन प्लेट की बात करें, तो इंडियन प्लेट का ऐसा अराउंड है 1.5 से 2 समथिंग है सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव करती है, यानी कि एक साल में इतना सेंटीमीटर बस खिसकती है ये प्लेट, ठीक है। अब जैसे बात करें कि अटलांटिक प्लेट की, अटलांटिक ओशन की जो प्लेट है, अटलांटिक की बात करें, तो इसका 2.5 समथिंग आ जाता है, 2.5 समथिंग ऐसा करके है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन का जो देखो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, पैसिफिक ओशन की 2.53 सेंटीमीटर, इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। देखो अब ऐसा बोला जाता है कि भाई जो पैसिफिक ओशन की प्लेट है सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसी में क्या हो रहा है कि इसका कंप्रेशन हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है। पैसिफिक ओशन की प्लेट देखो सबसे ज़्यादा तरीके से मूव कर रही है, बट इस ये क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। क्यों कंप्रेस हो रही है, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ के जो ट्रेंच हैं वो बहुत एक्टिव हैं। अब देख बोलोगे भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये सब तुम्हें समझ में आएगा जब तुम मेरे पहले वाले वीडियोस देखोगे, उसमें ट्रेंच, मिड ओशनिक रिज, कोई क्रस्ट का बनना, कोई क्रस्ट का डिस्ट्रॉय होना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बाकी आप उसको देखोगे तो आप खुद ही जज कर लोगे। देखो क्या होता है, ट्रेंच वो पोजीशन होता है जहां पर प्लेट डिस्ट्रॉय होती है, मिड ओशनिक जो रिज होता है उसमें वो ऐसा रीजन है जहां पर प्लेट जो है वो बनती है, क्रस्ट बनता है, क्योंकि नीचे से मैग्मा आता है। ट्रेंच क्या है, ट्रेंच कहां पे बनते हैं, जहां प्लेट सबडक्ट होती है, तो ट्रेंच की पोजीशन में जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर जिसके भी ट्रेंच एक्टिव हैं, और ट्रेंच कहाँ पे मिलेंगे, ओशियंस में, तो जिसके भी ट्रेंच एक्टिव होंगे तो वो प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो रही होगी, और हमें पता है ओशियन प्लेट है तो उसमें कहीं ना कहीं रिज भी होगा, तो वो प्लेट कंस्ट्रक्ट भी हो रही होगी, तो कंस्ट्रक्ट भी हो रही है और डिस्ट्रॉय भी हो रही है। तो अगर तुम इसकी स्पीड देखोगे 15 सेंटीमीटर पर ईयर, तो इस हिसाब से तो इसको फैलते रहना चाहिए, और ओशियन जो प्लेट होती है उसमें जो रिजेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, ओशियन क्रस्ट को सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ओशियन प्लेट लगातार क्या होती है, एक्सपेंड होती रहती है, बट ऐसा नहीं है, पैसिफिक ओशन जो है वो क्या हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि इसके ट्रेंचेस जो एक्टिव हैं, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर अटलांटिक ओशन की बात करें, तो ये जो है ये स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड का मतलब ये ज्यादा वाइड है, ये ज्यादा चौड़ा है, चौड़ा इसलिए है क्योंकि इसके जो ट्रेंच हैं वो डीएक्टिव हो गए। तो इसके कंपैरिजन में, पैसिफिक ओशियन के कंपैरिजन में, जो अटलांटिक ओशियन है ये ज्यादा तेजी से जो है वो फैल रहा है, जबकि इसकी स्पीड देखिए 2.5 से 3 है। पैसिफिक ओशियन ये 15 सेंटीमीटर है, कहीं कहीं पर आपको 7 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर 11 भी मिलेगा, तो इस पे मत जाइए, केवल आप इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा याद रखिए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड से कौन सा ओशन, कौन सी प्लेट जो है वो स्प्रेड हो रही है, वो है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो अटलांटिक की जो अटलांटिक है ज़्यादा है किस चीज़ में, फैलने के केस में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग, क्यों, क्योंकि इसके जो ट्रेंचेज हैं वो डीएक्टिव है। अब ट्रेंच डीएक्टिव है तो क्रस्ट कहीं पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, मिड ओशनिक रिज में क्रस्ट जो है वो क्रिएट होता जा रहा, डिस्ट्रॉय हो नहीं रहा, तो भले ही थोड़ी स्पीड से क्रिएट होता हो बट डिस्ट्रॉय तो 1% नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा भी जो क्रिएशन है वो बड़ा हो जाता है। पैसिफिक ओशन इतना ज़्यादा क्रिएट कर रहा है बट इसके ट्रेंचेज एक्टिव हैं तो वो बार बार डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक छोटा सा टॉपिक था तुम्हारी एनसीईआरटी में, तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा देखो, इसमें से ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हो कि भाई कोई भी प्लेट है, आपको ऐसे मतलब वहाँ पे केस स्टडी बना के पूछ सकता है, कोई प्लेट एक्स है, कोई प्लेट वाई है, एक्स का एक दे देगा आपको कि ये जो है वो 12 सेंटीमीटर पर ईयर, और इसका दे देगा 5 सेंटीमीटर पर ईयर, ऐसा 6 दे देगा, 6 सेंटीमीटर, तो दोनों का जो स्प्रेडिंग
रेट है दोनों का, जो मूवमेंट का रेट है वो जस्ट हाफ है, वाई का एक्स से जस्ट हाफ है, मगर बोल देगा कि जो एक्स है उसके जो ट्रेंचेस जो हैं वो एक्टिव हैं और वाई के ट्रेंचेस जो हैं वो नॉन एक्टिव हैं। तो बताइए कि आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद कौन सी प्लेट जो है वो ज़्यादा स्प्रेड कर जाएगी, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, वाई। या फिर वो ऐसे पूछ देगा कि वाई जो है आज से 100 साल बाद जो है उसकी लेंथ जो है वो एक्स से ज़्यादा हो जाती है, तो ये इसका रीज़न क्या है। चार रीज़न दिए होंगे, तो उसमें आप वो रीज़न देखिएगा जहाँ पर लिखा हो ट्रेंचेज आर डिसेबल या डीएक्टिव, तो ट्रेंच जिसके भी डीएक्टिव हो जाएंगे उसकी स्प्रेड करने का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, वो जल्दी स्प्रेड कर जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि ट्रेंचेज एक्टिव होने का और ट्रेंचेज को डीएक्टिव होने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पढ़ लिया है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्ज का मतलब पास आना, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये जानना जरूरी है कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है, या हिमालय जो था उसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय देखो किस तरीके से हो रहा है, हमने ये चीज़ हमने देख ली थी, ये पहली चीज़, तो ये यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, देखते जाना ये किस चीज़ का एग्जांपल है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में तीन टाइप के थे, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, कॉन्टिनेंट महाद्वीपी अभी सारी प्लेट सीमांत, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, अभी सारी प्लेट सीमांत, ठीक है, अभी सारी प्लेट सीमांत। और किसका है, कॉन्टिनेंट में क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन। तो कहने का मतलब है कि जो हिमालय है वो किस टाइप का माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है वो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो हुआ क्या, हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक है, इंडियन प्लेट को क्या बोलते हैं कि कई बुक्स में आप देखोगे तो उसको लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट प्लेट है, और कई बुक में लिखा होगा कि ये ओशनिक प्लेट है, और कई बुकें लिखती हैं कि ये जो है ये कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन का मिक्सचर है, ठीक है। तो देखो एक बार ये देख ले, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में तो हमने आपको ये बता दिया कि ये क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, जो इंडियन प्लेट जिसको हम लोग इंडिया में इंडियन प्लेट बोल रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पे इसको ये इसका नाम हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री बेसिकली, ये पॉइंट याद रखो, ये जो किरथार रेंज लिखा हुआ है, किरथार रेंज, ठीक है, तो ये कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी पाकिस्तान में, ठीक है, तो पाकिस्तान से बाउंड्री बनाती, और यहाँ पर ये चागोस आर्कियोपेलेगी है, ये एक आइलैंड है, यहाँ से होती हुई और ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करती, न्यूजीलैंड बेसिकली इसके बाउंड्री पे पड़ेगा, और यहाँ पर एक ऐसा आर्क बनाती हुई, ये जावा आइलैंड है, और म्यांमार पे कौन सा आइलैंड है, अराकन योमा माउंटेन्स से आते और इस तरीके से पूरी ऊपर तक आएगी। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैंने ऐसे डैश लाइंस बना रखी हैं, तो डैश लाइन का मतलब है जो ये बाउंड्री है, ये पूरी प्लेट है, ठीक है ना, यानी कि स्थल मंडल का एक टुकड़ा है, उसके ऊपर हिंदुस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यहाँ पर इंडोनेशिया भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, तो कई सारे कंट्रीज़ को ये कवर कर रहा है। तो क्या है कि इस प्लेट के, अब प्लेट की दो बाउंड्री हो सकती हैं, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या ट्रांसवर्स, तीन बाउंड्री। तो ऊपर का जो सिरा है, ऊपर का सिरा कन्वर्जेंट है, ऊपर का कन्वर्जेंट का मतलब है कि अब इसके ऊपर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो यूरेशियन प्लेट के साथ जो इंडियन प्लेट है उसका क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, और जबकि यहां पर ये जो डाइवर्ज है, यानी कि इंडियन प्लेट का जो डायरेक्शन है वो कहां पर जा रहा है, टुवर्ड्स इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है, ठीक है। और अगर बात करी जाए तो ये नॉर्थ साइड में जा रहा है, तो नीचे भी कोई ना कोई प्लेट होगी, तो उससे इंडियन प्लेट क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, डाइवर्ज। दूर जाने का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज। अब नीचे क्या है, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका प्लेट है, तो अंटार्कटिका प्लेट से इंडियन प्लेट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, जबकि क्या हो रही है, यूरेशियन प्लेट से कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद रखने बहुत जरूरी है, कभी भी इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये लोकेशंस कुछ याद रखिएगा। अब जो म्यांमार है वहाँ पर अराकन योमा माउंटेन्स है, तो वो इसके माउंटेन्स पे बने हुए हैं, इस प्लेट की बाउंड्री पे, ठीक है। तो ये जोन जो देख रहे हो, ये काफ़ी सेंसिटिव जोन है, यहाँ अर्थक्वेक तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि प्लेट बाउंड्री है, तो जिससे दूर जा रही है, जिससे टकराएगी, तो इस जोन में अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एटलीस्ट इंडियन प्लेट जो है वो है कैसी। इसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कौन सा, अब आपको क्लियर होंगी चीज़ें कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय क्या है, ठीक है।
अब देखो एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दिया हुआ था, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग इंडियन प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि ये क्या है, हमारा जीरो डिग्री। जीरो डिग्री का मतलब क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, विषुवत वृत्त है, ठीक है। अब जीरो डिग्री पे हमको पता है इंडिया कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इंडिया की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये 8 डिग्री से स्टार्ट होती है, 8 डिग्री लैटिट्यूड पर इंडिया स्टार्ट होता है, 0 डिग्री पर ये है। तो हमेशा से इंडिया यहाँ पे नहीं रहा था, इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ और उसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर इसको लाइन बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये है 50 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ पड़ेगा, ठीक है। तो 50 डिग्री साउथ पर यहाँ पर कहीं पर था इंडिया, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर ऐसे था और बाकी इंडिया का जो पोर्शन था वो इस तरीके से था, ऐसा इंडिया का। केरला की बात करें तो इस तरीके से ऐसे ऐसे और ये ऐसे करके इंडिया यहाँ पर था, ठीक है। तो ये था कब, जब बात कर रहे हैं कि 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले की बात है, तब यहाँ पर इंडिया कहीं था जब वो अफ्रीका से टूट के अलग हुआ, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी इंडिया की डायरेक्शन, वो ऐसे ऐसे होती चली गई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो था वो इंडिया मूव कर रहा है। अफ्रीका यहाँ पर आपको पता है अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है भाई जो क्या है कि उसको क्या है, तीनों जो लाइन्स हैं, यानी कि अगर बात करें ये कर्क की, बात करें भूमध्य रेखा की, और बात करें ये कौन सी है, मकर रेखा, तो वो तीनों ही लाइन्स इससे गुजरती हैं। तो इंडिया यहाँ से ऐसा कोई पोर्शन टूटा होगा और इस तरीके से मूव हो गया। तो ये तो 7 करोड़ वर्ष पहले जो इंडिया की पोजीशन थी, सोचे जम्मू कश्मीर कहाँ पर आता था, 50 डिग्री इतने नीचे, ठीक है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आजकल है, ठीक है। तो अब देखिए फिर इसका मूवमेंट और आगे हुआ, तो देखा गया कि अब कहाँ जाएगा कि भाई जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ पर ऐसा बना साउथ, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है वो विषुवत रेखा पर आ गई और साउथ अपना यहाँ चला गया। तो ये पोजीशन थी 5 पॉइंट समथिंग ऐसा करोड़ वर्ष पहले की, ठीक है, यहाँ पे था। धीरे से देखा गया, अब इसको बना हुआ है, यहाँ पर एक बनाता हूँ, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब देखा गया 3 करोड़ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर जो था वो ऊपर जा चुका था, बट जो कर्नाटका वाला रीजन था, तो कर्नाटका वाला जो रीजन है, इसको यहाँ बना दूँ, जो कर्नाटका वाला रीजन है वो यहाँ पे रह गया, कर्नाटका केरला वाला, और यहाँ कहीं जम्मू कश्मीर होगा। और अब जाके ये कब की पोजीशन है, ये 3 करोड़ वर्ष पहले की है, ठीक है। और आप जो प्रेजेंट इंडिया है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडिया, और ये प्रेजेंट इंडिया कब, ये 1 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। तो ऐसा करके एक एनसीईआरटी में डायग्राम ड्रॉ है, तो वो बेसिकली बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अफ्रीका से जब निकला तो किस डायरेक्शन में जो इंडिया का फ्लो था वो जा रहा है इंडिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो हमको पता है कि ऊपर क्या है, यूरोप, और यूरोप की कौन सी प्लेट है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया वाली प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट। और ये अगर इधर से कोई प्लेट जा रही है, ऊपर कोई प्लेट है, तो वो एक ना एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों प्लेट्स क्या हो जाएंगी, आपस में जिनकी टक्कर हो जाएगी। तो हम लोग को वही थ्योरी देखनी है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा ये आपसे एग्जाम में। बट क्या है कि मेंस में अगर आप इस तरीके से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या अगर भारतीय प्लेट पे स्पेशली क्वेश्चन आ रहा है या फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पे आ रहा है, तो आप ये डायग्राम अगर ड्रॉ करके आते हैं तो इसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ना है, ठीक है। याद करना बहुत आसान है, बस आपको दिशा याद होनी चाहिए, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ठीक है। आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करते जाइए। तो अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है तो देखो ध्यान से कि अगर हम लोग बात करें, अगर इंडियन प्लेट भारतीय प्लेट की बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिख दें, ठीक है। और वहाँ पर कहीं पर बड़ी सी कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, तो भारतीय प्लेट जो है वो इस तरीके से जा रही है, यूरेशियन प्लेट जो है वो ये है। जो यूरेशियन प्लेट किससे अलग हुई होगी, ये अलग हुई होगी अंगारा लैंड से, यानी कि लॉरेंशिया से। भारतीय प्लेट अलग किससे हुई है, गोंडवाना लैंड से। तो भारत एक समय ऐसा आएगा, अच्छा तो बहुत समय पहले की अगर बात करें तो हमको पता है कि सबसे पहला क्या था, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो डिवाइड हुआ तो उसमें बीच में कौन सा सागर आ गया था, तो टेथीस सी आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सी है, यहाँ पर टेथीस सी काम कर रहा है। तो अभी कहाँ पर, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सागर है, उसका नाम है टेथीस सी। तो अगर तुम इसको बोल रहे हो कि ये कैसी प्लेट है, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो हमको पता है ये कैसी प्लेट है, ये एक ओशनिक प्लेट है। तो मेरे को बताओ कि भारतीय प्लेट को इस यूरेशियन प्लेट से टक्कर करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए इसको इस प्लेट से होकर गुजरना पड़ेगा, तो इसकी टक्कर तो बाद में होगी, पहले भारतीय प्लेट की इससे हो जाएगी या ओशनिक या टेथी सागर की प्लेट की इससे टक्कर हो जाएगी। तो
कॉन्सेप्ट को समझो, इस चीज को इमेजिन करो, तभी आगे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, तो अगर ये चीज समझ में आई तो ध्यान से देखना। अब सीधे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पे चल रहे हैं, तो देखो ये एक बड़ी सी प्लेट है, ये कैसी है, कॉन्टिनेंटल, और ये कौन सी है, इसी को नाम दे रहे हैं क्या, ये कौन सी प्लेट है, भारत प्लेट है, ठीक है, इंडियन प्लेट है। यहां पर एक प्लेट है, ये भी क्या है, कॉन्टिनेंटल, और ये कौन सी प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। अब भारतीय प्लेट इस डायरेक्शन में आ रही है, यूरेशियन प्लेट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो कन्वर्जेंट हो रहा है, और किसका किसका कन्वर्जेंट हो रहा है देखना ध्यान से, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का। बट ट्विस्ट ये है कि बीच में एक प्लेट है, बीच में एक प्लेट है, और वो कौन सी है, ये ओशनिक प्लेट है, और ये किस चीज की प्लेट है, ये है टेथिस सी की प्लेट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये कॉन्टिनेंट प्लेट और इस ओशनिक प्लेट, इसका हो रहा है कन्वर्जन। तो अब ध्यान से देखो, अगर बात करी जाए कि अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन हो रहा है तो क्या होगा, जब ये दोनों टकराएंगी तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होगा क्या, ये कोलाइड करेंगी, और फिर क्या होगा, सबडक्शन होगा। तो सबडक्शन किसका होगा, सबडक्शन किसका होता है, हैवी प्लेट का। ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर है, मैं बार बार ये बनाता हूं, इसको रट लीजिए दिमाग में एकदम, इसकी फोटो खींच लीजिए। तो अगर ओशनिक प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट भारी भारी है क्योंकि ये बसाल्ट से बनी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट अंडे साइड या ग्रेनाइट से बनी है। तो इनके कोलिजन के बाद क्या होगा कि ओशनिक प्लेट जो है वो क्या हो जाएगी, सबडक्ट होगी। अब जब ये सबडक्ट होगी तो यहां पर देखो, यहां पर क्या, जब इसका सबडक्शन होगा तो यहां पर जैसे ही मेंटल में जाएगी, छेपित होगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से निकलेगा वॉल्केनो, और यहां पर मैग्मा आएगा, और यहां पर क्या होगा, एक माउंटेन की उत्पत्ति हो जाएगी। जब एक माउंटेन की उत्पत्ति होगी तो यही माउंटेन जो है, ध्यान से ना मेरी बात सुनना ध्यान से, यही माउंटेन जो है इसी को बोलते हैं, कौन सा हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है। अब देखो, ये जो टेथी सी की प्लेट थी, ये बहुत लेंदी प्लेट नहीं थी कि ये अंदर तक जाती रहती, और दूसरा इसमें कोई भी मिड ओशनिक रिज नहीं था जहां से प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो एक समय आया कि जब ये पूरी प्लेट जो है वो कंप्रेस होती चली गई, अंदर जाती चली गई, कंप्रेस होती गई, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, सबडक्ट होती चली गई, होती चली गई। तो पूरी प्लेट जो है इसका क्या हो गया, ये संपीड़न बल के कारण, संपीड़न बल के कारण इस पूरी प्लेट का क्या हो गया, क्षय हो गया। क्षय होने का मतलब है क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये कंप्रेस होती चली गई, कंप्रेस होती चली गई, क्रस्ट का निर्माण कहीं से हो नहीं रहा था, बस क्या हो रहा है, यहां पर उसका डिस्ट्रॉयशन हो रहा है। तो क्रस्ट, ये पूरी प्लेट, एक समय आएगा कि पूरी प्लेट जो है वो खत्म हो गई। तो पहला स्टेप, सबसे पहले कौन सा बना था, सबसे पहले हमारे बने थे ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जब ये चीज ये पूरी कंप्रेस हो जाएगी संपीड़न बल के बाद, इसका क्षय हो जाएगा, तब ध्यान से देखना, अब एक ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कौन सी है, ये यूरेशियन प्लेट है, ईपी लिख दे रहा हूं, और दूसरी ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कौन सी है, ये भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है। ये वाली प्लेट हो गई खत्म। अब ये दोनों प्लेटों का आपस में टक्कर होगी, तो जब प्लेटों की आपस में टक्कर होगी, तो जो भारतीय प्लेट है, अभी मैंने भारतीय प्लेट का आपको स्ट्रक्चर दिखाया, कितना बड़ा भारतीय प्लेट, और प्लस भारतीय प्लेट में देखो ध्यान से, उसी डायग्राम को अपनी कॉपी में जो तुमने बनाया है, नहीं बनाया तो बना लेना, उसको इमेजिन करो कि कॉन्टिनेंट का एरिया उसमें कम था, जबकि पैसिफिक ओशन का इतना ज़्यादा एरिया कवर करती है वो। तो यानी कि कॉन्टिनेंट प्लस ओशनिक दोनों का मर्ज है वो, तो दोनों के मिश्रण से बनी है, तो इसका मतलब एंडेसाइट और बसाल्ट से बनी है। तो बसाल्ट अगर जिसमें मिल जाएगा तो उसको भारी कर देगा, क्योंकि वो स्वयं हैवी एलिमेंट होता है। तो कहने का मतलब है, जो भारतीय प्लेट है वो हैवी है, जब वो हैवी प्लेट है तो क्या होगी इसके, ऐसा कहा जाता है कि वो हल्का सा शेपित हुई, दो प्लेट्स आपस में फोर्स लगाती हैं। तो मैंने आपको बताया था, फोर्स लगाते लगाते क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, तो यही हुआ कि ये क्या हो गई, ये हल्का सा शेपित हुई, और यूरेशियन प्लेट जो थी इसके ऊपर हल्का सा चढ़ गई, और ये ज्यादा अंदर तक क्षेपित नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसी प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल भी है, तो कॉन्टिनेंटल है तो ज्यादा अंदर तक जा नहीं पाई, ज्यादा अंदर तक जाएगी नहीं तो इसमें गलन होगा नहीं। तो यहां पर ये जो प्लेट का चढ़ान से यहां पर क्या हुआ, अब वही एग्जांपल, पन्ने को दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे, अब पन्ना नीचे नहीं जा सकता, तो पन्ना क्या हो जाएगा, ऐसा ऊपर उठ जाएगा। तो यहां पर इन दोनों के प्रेशर से यहां पर क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और यही फोल्ड माउंटेन्स बाद में क्या बन जाएंगे, ये जो हिमालयाज होते हैं,
यानी कि सबसे पहले बने होंगे ट्रांस हिमालयास, ठीक है, और उसके बाद ये कौन से बने, ये शिवालिक जो भी है, मध्य हिमांचल, ग्रेटर, ये सब जो हम पढ़ते हैं, तो उसके बाद बनेगा हिमालय। तो ये बेसिकली जो था, ये था फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो देखो एक बार फिर से सुन लेना, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। अब देखो कैसे इंडियन प्लेट जो थी अफ्रीका से, यानी कि कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से मूव करती करती और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंची, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंची है तो एक तो बात तय है कि वो कभी ना कभी यूरेशियन प्लेट से टकराएगी जरूर। तो जब टकरा नहीं रही है तो उन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है, उसका नाम है टेथिस, यानी कि एक ओशनिक प्लेट है। तो सबसे पहली जो टक्कर होगी वो होगी ओशनिक प्लेट की किससे, यूरेशियन प्लेट से। वो किससे होगी, यूरेशियन प्लेट से। तो जब ओशनिक और कॉन्टिनेंट का टक्कर होती है तो जो ओशनिक है वो सबडक्ट करेगी क्योंकि वो हैवी है, मगर इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी क्रस्ट जो है वो, इसका प्लेट जो है वो, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जहाँ तक अंदर सबडक्ट हुई फिर मेल्ट हो गई, इसका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया, और डिस्ट्रॉय होने से मैग्मा निकला, और मैग्मा वही सॉलिड बन के क्या हो गया, वो बन गया ट्रांस हिमालय पे। अब ये प्लेट पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब ध्यान से सुनो, अब तुम कहोगे यार जब ये मैग्मा निकल के तो ये वॉल्केनो हो जाना चाहिए, नहीं, ये वॉल्केनो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब दोबारा कभी कोई प्लेट अंदर गई नहीं है, ये पूरी ओशनिक प्लेट क्रस्ट जो है उसका वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो जब अंदर मैग्मा बन नहीं रहा है तो बाहर क्या निकलेगा, कुछ नहीं। तो तभी यहाँ पर वॉल्केनिज्म हिमालय में कभी नहीं होता है। अब जब ये प्लेट का पूरी तरीके से क्षय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो कोई मैग्मा बनने के चांस ही नहीं। अब आमने सामने कौन आ गया, आमने सामने आ गया यूरेशिया और भारतीय प्लेट। अब दोनों जब ये, इन दोनों का कोलिजन होगा तो भारतीय प्लेट भारी है क्योंकि उसमें ओशनिक क्रस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो वो हल्का सा शेपित करेगी अंदर की तरफ, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बट अब हमको पता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल अगर प्लेट आ रही है तो उसमें कोई भी क्षेपण नहीं होता, तो इसमें हल्का सा क्षेपण केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ओशन का पार्ट भी है, इसमें बसाल्ट भी है। परंतु क्या होगा कि जो ये वाली प्लेट है यूरेशियन प्लेट, ये हल्का सा, दो अगर हाई प्रेशर की प्लेट्स आपस में टकराएंगी और कोई नीचे जाने को तैयार नहीं है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, तो ऐसे ही ये जो यूरेशियन प्लेट है ये चढ़ जाएगी ऊपर, और चढ़ जाएगी तो यहाँ पर कुछ इस प्लेट का नुकसान भी करेगी, तो यहाँ पर सेडिमेंट इकट्ठे होते जाएंगे। अब धीरे धीरे कितने करोड़ों वर्ष में हिमालय का निर्माण हुआ, तो वही सेडिमेंट जो थे वो इकट्ठा होते रहे, और प्लस उनके जो बल से संपीड़न बल लगा, संपीड़न बल से क्या लगता है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। संपीड़न बल से क्या लगेगा, क्या बनेगा, फोल्ड बनता है, फोल्ड यानी कि वलन, वलन। तो ये जो हिमालय है ये किस टाइप के पर्वत हैं, इन्हीं को बोलते हैं, कैसे पर्वत हैं, ये वलित पर्वत हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हिमालय का निर्माण हुआ, तो ट्रांस हिमालय बना, फिर उसके बाद बाकी को जो हिमालय की पूरा रीजन है वो बनता चला गया, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी वाला रीजन, अगर इसकी, इसको ये प्रूफ कैसे करा गया कि ये प्लेट अंदर गई थी ज्वालामुखी बना, तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा रिसर्च करा गया कि जैसे जम्मू कश्मीर में जो कारगिल में एक एरिया है, द्रास सेक्टर नाम सुना होगा, द्रास कारगिल वॉर में बड़ा फेमस हुआ था, तो वहाँ की चट्टानों में कुछ ऐसा ज्वालामुखी चट्टानों के ऐसा प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी जो है उसकी गुणधर्म ऐसे हैं जिससे प्रूफ होता है कि ये जो है ज्वालामुखी से कभी ना कभी बनी है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा थ्योरी दी गई थी। तो ये जो था ये हमारे हिमालय का पूरा हमारा फॉर्मेशन था, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर फोर था, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो खत्म हो गया। तो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर लेक्चर मिस कर दिए हैं कोई किसी भी रीज़न की वजह से, तो प्लीज़ आप जाके देखिए, समय मिल चुका है अभी आपके पास, तो अच्छे से उसके नोट्स बना लीजिए, फिर आप NCERT पढ़िए, और आप जो भी रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ लीजिए, मगर आप वीडियोस ज़रूर देखिए। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कठिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं, उनको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है मैंने। उसके बाद भी अगर कोई आपके सुझाव हैं तो बिल्कुल वो आप मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करने की और कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अन अकेडमी प्लस का कोई भी कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप कौन सा कोड यूज़ करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ कोड बार बार, आप यूज़ करेंगे RANK10 RANK10। इस कोड को यूज़ करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपकी फ़ीस में 10% का डिडक्शन आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। दूसरा फायदा ये है कि आपको अन अकेडमी के वेल ट्रेन, वेल एजुकेटेड और बहुत ही गुणवान टीचरों से, अध्यापकों से पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें सक्सेस रेट आपके बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि भाई आपको आरती मैम के गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलेगा, वो सारी जो अपनी स्ट्रेटजी है, जो अपनी सारी टैक्टिक्स हैं, वो आपको बताएंगे कैसे एग्ज़ाम को आपको बीट करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, बुक्स में भी कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा आपको पता चलेंगी। तो बिल्कुल भी विलंब मत करिए, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करिए, और कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, RANK10, ठीक है। पढ़ते रहिए, ज्योग्राफी के वीडियोज़ देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को बताइए कि ज्योग्राफी में एक ऐसे वीडियो आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है।
तो ये सारे वीडियोस जो हैं वो देखिए, कोई भी वीडियो मत छोड़िए, अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को एक बार दो बार तीन बार रिवाइज करते रहिए, मेरे नोट्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।